हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अमेजॉन प्राइम की मूवी अनसीन देख के खत्म करी और सच बताऊं मूवी मुझे पसंद आई है, सच में अच्छी लगी। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूं तो ये कहानी है सैम नाम की एक लड़की की, जिसकी लाइफ में सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब उसे एक फोन कॉल आता है एमिली नाम की एक लड़की का, जो उससे ये कहती है कि ये मेरी जान खतरे में है और मैं जंगल में फंस चुकी हूँ और अब मुझे आपकी मदद चाहिए। अब एमिली को उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, सैम किस तरह से उसकी मदद करती है और इन सारी चीज़ों में सैम कहाँ पर स्टैंड लेती है, वो किस तरह से फंसती है और वो क्यों फंसती है, यही सब इस मूवी की कहानी है। अगर मैं इसके स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस मूवी का स्क्रीन प्ले ठीक ठाक लगा, क्योंकि जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है अपनी पूरी सिचुएशन को एस्टैब्लिश करती है, हमें बताया जाता है कि सैम किस तरह की इंसान है, किस तरह से वो उस सिचुएशन में फंसी है, वो सारी चीज़ें इतनी अच्छी तो हैं कि हमारा स्टार्टिंग से इस मूवी में कनेक्शन बन जाता है और हम जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये मूवी आगे बढ़ती है अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीजें भी देखने में मजा आता है, क्योंकि इन सारी चीजों को इतने अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया था कि हम पूरे टाइम इस मूवी में इन्वेस्टेड रहते हैं, बोर नहीं होते हैं। और उसके ऊपर से जो इस मूवी की लेंथ है ना, वो इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये मूवी करीब 1 घंटे 10 मिनट के आसपास की है। इस कारण से ये मूवी कब शुरू हुई कब खत्म हो जाती है ना, हमें पता भी नहीं चलता और हम इतना दिमाग लगाने का हमको मौका ही नहीं मिलता कि हम इस मूवी के फ्लॉस को नोटिस कर पाएं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जहां तक बात है ट्विस्ट एंड टर्न्स की, ट्विस्ट एंड टर्न्स अच्छे हैं, हमें इंगेज करके रखते हैं और हम पे वो इम्पैक्ट डालने में कामयाब रहते हैं जिस तरह का उन्हें डालना चाहिए था। ऑल दो लगभग सारे ट्विस्ट काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल रहते हैं। जहां तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, तो किसी भी कैरेक्टर को इतने अच्छे से डेवलप नहीं किया गया कि हम उसके साथ पूरी तरह कनेक्ट हो पाए। सभी कैरेक्टर्स को बस सरफेस लेवल तक ही डेवलप किया गया और जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे वो भी बस ठीक ठाक ही थे। और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस मूवी में, लेकिन उन सब पे बात करने का कोई फायदा नहीं बनता, क्योंकि जब तक आप वो चीजें नोटिस करोगे ना तब तक ये मूवी खत्म हो जाएगी और आप इंजॉय करोगे, जो कि अच्छी बात है। लेकिन हाँ, इस मूवी को देखते वक्त अपना ज्यादा दिमाग मत चलाना, क्योंकि इस मूवी में आपको काफी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसका लॉजिक और तुक बिल्कुल भी नहीं बन रहा होगा। जहां तक बात है एक्टिंग की, सभी एक्टर्स का काम अच्छा है, पर चाहे किसी की बात करो पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम पसंद आया है। जहां तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन ठीक ठाक है, एक तो डायरेक्टर ने इस मूवी को अच्छे पेस पे बनाया, उसके ऊपर से जिस तरह के एलिमेंट उन्होंने यूज किए ना वो भी इतने अच्छे तो हैं कि हम बोर नहीं होते हैं। और जो एडिटिंग है वो भी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा इस मूवी की जो लेंथ है वो एडिटर ने इतनी सही और इतने अच्छे चॉप्स करें पूरे इस मूवी का कि हम समझ भी नहीं पाता कि मूवी शुरू होगी कब खत्म होगी, जो कि काफी अच्छी बात है। प्रोडक्शन क्वालिटी भी ठीक ठाक ही है, तो ओवरऑल मुझे ये मूवी पसंद आई है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है। लेकिन हाँ, इतनी अच्छी है कि आप देखोगे तो आप बोर नहीं होगे और आप इंजॉय करोगे, इसलिए मेरी तरफ से तो ये मूवी पूरी तरह से रिकमेंडेड है। और अगर आप लोगों ने मूवी देख ली तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।